इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब एक छोटा बच्चा हंसता है तो एक फूल टूटकर पिक्सी होल जाता है, जहां ट्रेंस नाम का एक फेरी उस फूल के ऊपर पिक्सी डस्ट डालता है, जिससे एक फेरी का जन्म होता है जो कि टिंकर बेल थी। उसके जन्म पर सभी फेरीज की क्वीन क्लेरिन भी आती है और वो टिंकर को उड़ना सिखाती है। उसके बाद क्वीन वहाँ कई सारे फूल उगाती है जिन पर सभी फेरीज अपना टैलेंट रखती है। क्वीन टिंकर से कहती है कि ये सभी फूल तुम्हारा टैलेंट ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो टिंकर पूछती है कि इसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा, तो क्वीन बताती है कि तुम्हें पता चल जाएगा। टिंकर जब उनमें से एक फूल को चुनती है तो मुरझा जाता है और ऐसे ही कई सारे फूल मुरझा जाते हैं। जब टिंकर एक हैमर के पास से निकलती है तो चमकने लगता है और उसका टैलेंट टिंकर होता है। रानी टिंकर का वेलकम करके वहाँ से चली जाती है। तभी टिंकर के पास क्लैंक और बबल आते हैं, जो टिंकर को अपने साथ पिक्सी हॉल में घुमाने ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि समय मौसम बदलने का है और यहाँ हर सीजन का अलग राज्य है, और उसे विंटर वर्ल्ड बताते हैं जहाँ स्नोफ्लेक और फ्रोस्ट फेरी घर लौट रही थी थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि वो दुनिया में विंटर सीजन को खत्म करके आई थी। और ऐसे ही करते हुए वो सभी राज्यों में टिंकर को घुमाते हैं। बबल और क्लैंक टिंकर को उसका घर दिखाते हैं जो कि टिंकर्स टाउन था। टिंकर वहाँ आकर काफी खुश थी। बबल और क्लैंक टिंकर को उसके घर के अंदर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस तैयार की है जिन्हें तुम पहन सकती हो, और वहाँ से चले जाते हैं। टिंकर जब लीफ से बनी ड्रेस को ट्राई करती है तो वो काफी बड़ी होती है, जिसे वो काट कर अपने साइज का बना लेती है और अपने आप को एक नया लुक देती है। फिर वो वर्कशॉप में जाती है जहाँ बबल और क्लैंक मिलकर उसे उसका काम समझाते हैं जो कि सामान बनाने का था। तभी वहाँ फेरी मेरी नाम की एक फेरी आती है जो टिंकर को देखकर काफी खुश होती है। बबल और क्लैंक ने सामान पहुँचाने के लिए जो गाड़ी बनाई थी उसमें एक ही व्हील था, इसीलिए वो टिंकर को भी अपने साथ ले लेते हैं। क्लैंक दूसरी तरफ की व्हील की जगह खुद गाड़ी को उठाकर ले जाने लगता है। तभी उनके ऊपर कुछ ग्रास मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो तेजी से भागते हैं और एक पेड़ से जाकर टकराते हैं। सभी फेरीस आकर टिंकर बेल को उठाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ था, तो क्लैंक बताता है कि मॉन्स्टर ग्रास थे जिसकी वजह से हम नीचे गिर गए। रोसेटा नाम की फेरी सभी को कहती है कि ग्रास सभी को काफी परेशान करते हैं। बबल इरिडेसा को रेनबो ट्यूब देता है जिसकी मदद से इरिडेसा रेनबो को ट्यूब के अंदर भर लेती है। टिंकर उसे पूछती है कि तुम इसका क्या करोगी, तो इरिडेसा बताती है कि मैं इसे मेनलैंड लेकर जाऊंगी। टिंकर पूछती है कि मेनलैंड क्या है। सभी फेरिस टिंकर को बताती है कि मेनलैंड में हमेशा मौसम बदलते रहते हैं और हम अपने टैलेंट से मौसम को बदलने में मदद करते हैं। ये सब सुनकर टिंकर बेल को मेनलैंड काफी पसंद आता है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब वो सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब टिंकर अपने साथियों के साथ वापस आ रही थी तो टिंकर को रास्ते में विद्या नाम की एक फेरी दिखाई देती है जो काफी घमंडी थी। टिंकर क्लैंक और बबल से परमिशन लेकर विद्या के पास चली जाती है। टिंकर विद्या के पास जाकर हेलो करती है जिससे कि वो काफी डर जाती है। टिंकर जब उससे उसका टैलेंट पूछती है तो विद्या बताती है कि मैं एक फास्ट फ्लाइंग फेरी हूँ जो एक अनोखा टैलेंट है। मैं समर में ब्रिज बनाती हूँ और ठंड में पत्ते गिराती हूँ, इसीलिए सभी फेरीस मुझ पर डिपेंड करती है। टिंकर उसे कहती है कि मैं भी सभी फेरीस की मदद करती हूँ क्योंकि हम उनके जरूरत का सामान बनाते हैं, इस हिसाब से हम दोनों एक जैसी हैं। तो विद्या कहती है कि मैं नेचर के सोर्सेज बनाती हूँ और तुम बर्तन और केटली। यह सुनकर टिंकर उसे कहती है कि जब मैं स्प्रिंग के लिए मेनलैंड जाऊंगी तो अपना टैलेंट प्रूव करके दिखाऊंगी, और दोनों एक दूसरे से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। टिंकर जब वापस घर आ रही थी तब उसे समुद्र के किनारे बेल कॉइन स्प्रिंग और कुछ सामान दिखते हैं जिन्हें उठाकर वो अपने घर ले आती है। बबल और क्लैंक उन चीजों को देखकर टिंकर को बताते हैं कि कुछ चीजें मेनलैंड से बहती हुई नेवरलैंड तक आ जाती है। तभी फेरी मेरी वहाँ आती है और टिंकर से कहती है कि तुम इन खोई हुई चीजों के साथ अपना टाइम वेस्ट मत करो, और सभी सामान को वहाँ से ले जाती है और ने कहती है कि जल्दी काम करो, रात को यहाँ क्वीन आने वाली है। टिंकर अपने दोस्तों से पूछती है कि क्वीन यहाँ क्यों आ रही है, तो बबल और क्लैंक बताते हैं कि क्वीन यहाँ आकर हम सब फेरीज की स्प्रिंग की तैयारी देखना चाहती है और यही वो टाइम है जब हम फेरी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। यह सुनकर टिंकर भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए कुछ सामान बनाती है। कुछ समय बाद क्वीन वहाँ आती है। मिस्टर ऑफ स्प्रिंग क्वीन को बताते हैं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है और जब एवर ब्लॉसम फूल खिलेगा तो हम स्प्रिंग को मेनलैंड में ले जाने के लिए तैयार होंगे। तभी अचानक से टिंकर वहाँ आती है और वो क्वीन से कहती है कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं जिसे टिंकर
लेकर फेरी मेनलैंड जाने के बाद इस्तेमाल कर सकती है। ये ऐसा सुनकर सभी फेरीज काफी हैरान होती है। टिंकर अपने द्वारा बनाई गई कुछ मशीनें दिखाती है, मगर उसने जो भी मशीन बनाई थी वो ठीक से काम नहीं करती। तो क्वीन उसे बताती है कि टिंकर फेरी कभी मेनलैंड नहीं जाती, तुम्हारा काम बस यहाँ पिक्सी हॉल में है। टिंकर ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और काफी उदास होती है। और फेरी मेरी से पूछती है कि टिंकर फेरी मेनलैंड क्यों नहीं जा सकती। तो फेरी मेरी उसे कहती है कि ना तुम लाइट फेरी हो ना ही एनिमल फेरी, तुम इनमें से कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक टिंकर फेरी हो। इस बात पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। जब तुम मैजिक से फूल खिला पाओगी या फिर सूरज की किरणों को पकड़ पाओगी तब तुम मेनलैंड जा सकती हो। ये सुनकर टिंकर डिसाइड करती है कि अपना टैलेंट चेंज करेगी और सभी फेरीज के पास जाकर उनसे कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब एक टिंकर फेरी नहीं रहूंगी। ये सुनकर सारी फेरीज चौंक जाती है। तो टिंकर कहती है कि मैं टिंकर क्यों बनी रहूं, क्योंकि एक हैमर ग्लो हुआ था बस इसलिए। अगर तुम में से कोई भी मुझे अपना टैलेंट सिखा दे तो मैं भी नेचर के साथ काम कर सकती हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि क्वीन मुझे मेनलैंड जाने दे। तो सिल्वर मेट कहती है कि तुम सही कह रही हो, ऐसा हो सकता है। तो इरिडेसा कहती है कि आज से पहले मैंने कभी किसी को टैलेंट बदलते नहीं देखा। टिंकर कहती है कि तुम जो करती हो वो काफी मैजिकल और काम का है, पर मेरी लाइफ में सामान बनाने के अलावा और कुछ भी होना चाहिए, इसीलिए मैं तुम लोगों से एक मौका मांग रही हूँ। इरिडेसा को छोड़कर बाकी की फेरिस टिंकर को अपना टैलेंट सिखाने के लिए मान जाती है। टिंकर पहले तो सिल्वर मेट के साथ उसकी बूंदे बनाना सीखती है, मगर ऐसा करने में नाकामयाब होती है और उसकी गलती की वजह से पानी की एक बूंद बाकी फेरी से आकर टकराती है और वो सभी नीचे गिर जाती है। वही फेरी मेरी क्लैंक और बबल से टिंकर के बारे में पूछती है। वो दोनों झूठ बोलते हुए उन्हें कहते हैं कि टिंकर चीजी के लिए खाना लेने गई है। दूसरी तरफ इरिडेसा टिंकर को सूर्य की किरण को पकड़कर जुगनुओं में लाइट लगाना सिखाती है, मगर वो उसमें भी फेल हो जाती है। इस वजह से टिंकर काफी उदास होती है। वही टिंकर के पास फेरी मेरी आती है और टिंकर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी, पर मुझे तुमसे काफी उम्मीद थी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। बबल टिंकर से कहता है कि तुम्हें फेरी मेरी की बात को ध्यान में रखना चाहिए। टिंकर कहती है कि मुझे एक स्टूपिड टिंकर बनकर नहीं रहना। ये सुनकर बबल और क्लैंक काफी उदास होते हैं, क्योंकि वो भी एक टिंकर फेरी थे। टिंकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मगर वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते। तो टिंकर वहाँ से चली जाती है। वही फान जो कि एक एनिमल फेरी है वो पक्षियों को उड़ाना सिखाती है। जब टिंकर उसके पास आती है तो वो टिंकर से पूछती है कि क्या तुम बेबी बर्ड को उड़ना सिखाने के लिए तैयार हो। तो टिंकर कहती है कि मैं थोड़ी नर्वस हूँ। फान कहती है कि पहले बेबी बर्ड का अटेंशन गेन करो, फिर स्माइल करो और उन्हें उड़ना सिखाओ। टिंकर बेबी बर्ड को उड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो टिंकर को देखकर डर जाता है और अपने अंडे को फिर से जोड़कर उसके पीछे छिपने की कोशिश करता है। जब टिंकर उसे रोकने की कोशिश करती है तो टिंकर को चोंच मारता है। टिंकर जब उससे उड़ने के लिए कहती है तो ऐसा नहीं करता। इस वजह से टिंकर उस पर काफी गुस्सा होती है और उसे जबरदस्ती उड़ाने की कोशिश करती है, मगर इसमें भी फेल हो जाती है। फिर टिंकर हवा में एक ईगल को उड़ता देख सोचती है कि शायद वो मेरी मदद करे और उसकी तरफ उड़कर जाती है। तभी ईगल उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है। टिंकर ईगल से बचने के लिए एक पेड़ के अंदर चली जाती है जहाँ विद्या पहले से छिपी हुई थी, मगर ईगल अपनी चोंच से पेड़ के छेद को बढ़ाकर देती है, जिस वजह से विद्या वहाँ से भागने लगती है। टिंकर भी उसके पीछे भागकर जाती है और विद्या से टकराती है और विद्या ईगल के पंजों में जाकर गिरती है, मगर सभी फेरीज मिलकर ईगल को मारने लगते हैं। तो ईगल वहाँ से उड़ जाती है, मगर विद्या का फेस कलर में हो जाता है। इस वजह से सभी उसका मजाक बनाते हैं। इस वजह से विद्या टिंकर पर काफी गुस्सा होती है। टिंकर सभी फेरीज को कहती है कि मैं बस यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, और वहाँ से चली जाती है। टिंकर बेल अकेले में बैठकर पत्थर फेंकते हुए सोचती है कि इस तरह तो मैं कभी मेनलैंड नहीं पहुँच पाऊंगी। तभी उसका पत्थर किसी चीज से टकराता है और टिंकर को टकराने की आवाज आती है। टिंकर उसे देखने के लिए जाती है। उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि एक म्यूजिक बॉक्स था। टिंकर उसके सामान को इधर उधर से उठाकर फिर से जोड़ने की कोशिश करती है। बाकी फेरीज भी छिपकर टिंकर को देखती है। टिंकर को एक गुड़िया मिलती है जिसे वो म्यूजिक बॉक्स के ऊपर लगाकर उसे घुमाती है, जिससे कि उस बॉक्स में गाना बजने लगता है और वो पहले की तरह ठीक हो जाता है। बाकी फेरीज टिंकर के पास आकर कहती है कि तुमने इसे ठीक कर दिया, पर ये क्या है? तो टिंकर कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अभी मिला। रोसेटा टिंकर से कहती है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया, तुमने अपना काम टिंकर किया है, क्योंकि
रहेगी सब चीजें सही करना और गैजेट बनाना, इसे टिंकरिंग कहते हैं। इरिडेसा टिंकर से पूछती है कि तुम्हें सब पसंद है ना। तभी सिल्वर मेट कहती है कि वैसे भी मेनलैंड कौन जाना चाहता है, मगर टिंकर को तो मेनलैंड जाना था, इसीलिए वो सबसे कहती है कि मुझे मेनलैंड जाना है और पता करना है कि ये सब चीजें कहाँ से आती है। और रोसेटा से कहती है कि क्या तुम अब गार्डन फेरी बनने में मेरी मदद नहीं करोगी। रोसेटा कहती है कि मुझे लगता है कि यही तुम्हारा टैलेंट है। फान कहती है कि हम सब भी तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम जरा इसके बारे में सोचो। टिंकर सबसे नाराज हो जाती है तो बाकी की फेरीज भी वहाँ से उड़कर चली जाती है। जब बाकी फेरीज टिंकर की मदद नहीं करती तो विद्या के पास जाती है और से कहती है कि क्या तुम मेरी फास्ट फ्लाइंग फेरी बनने में मदद करोगी। मगर विद्या टिंकर पर गुस्सा थी इसीलिए अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। तो टिंकर उसे कहती है कि विद्या तुम मेरी लास्ट होप हो, बाकी फ्रेंड्स से मैंने उम्मीद छोड़ दी है। रोसेटा भी अब मुझे गार्डन फेरी बनने की ट्रेनिंग नहीं देगी। ये सब बातें विद्या ध्यान से सुनती है और फिर दरवाजा खोलकर टिंकर से कहती है कि अगर तुम्हें गार्डन फेरी बनना चाहती हो तो जंपिंग मॉन्स्टर ग्रास को पकड़ो। तो टिंकर कहती है कि मैं कर सकती हूँ और चीजी के ऊपर बैठकर ग्रास को पकड़ने जाती है, मगर चीजी को डर लगता है और आगे नहीं बढ़ता। तो टिंकर उसे समझाती है जिस वजह से वो ग्रास को पकड़ने के लिए मान जाता है और ग्रास का पीछा करने लगता है। टिंकर दो स्टिक की मदद से दो ग्रास को पकड़कर एक बाड़े में बंद कर देती है, मगर विद्या उन्हें फिर से निकाल देती है। मॉन्स्टर ग्रास भागते हुए सभी फेरिस के द्वारा बनाए गए सामान और पेंट किए हुए फ्लावर को खराब कर देते हैं। सभी फेरिस आकर टिंकर पर गुस्सा होती है। रोसेटा टिंकर से कहती है कि ऐसी कोई भी गार्डन फेरी नहीं है इस दुनिया में जो कि ग्रास को कंट्रोल कर सके। तभी वहाँ क्वीन फेरी आती है और कहती है कि स्प्रिंग की सारी तैयारियाँ थी पर यह सब कैसे हुआ। तो टिंकर उन्हें कहती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ और रोने लगती है। रानी अपने सभी वेदर मंत्रियों के साथ मीटिंग करती है जो बताते हैं कि अगर स्प्रिंग समय पर नहीं आया तो नेचर अनबैलेंस होगा जिसकी वजह से फसलें नहीं होगी और फ्रूट बड़े नहीं होंगे। क्वीन फेरी मेरी से पूछती है कि क्या इतना सब कुछ फिर से इतने कम समय में ठीक हो सकता है। फेरी मेरी कहती है कि ये सब काम इतने कम समय में नहीं हो सकता। दूसरी तरफ टिंकर पिक्सी डस्ट के पास जाकर रोने लगती है। तभी टेरेंस वहाँ आता है, वो टिंकर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो टिंकर कहती है कि मुझे थोड़ी डस्ट चाहिए, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। टेरेंस उसे कहता है कि हमेशा तो काफी लंबा समय होता है और टिंकर से पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। मैं तो एक पिक्सी डस्ट कीपर हूँ और मैं कोई इतना खास फेरी भी नहीं हूँ। टिंकर उसे बताती है कि तुम हम सब में से सबसे इम्पोर्टेंट फेरी हो, तुम्हारे बिना किसी के पास मैजिक नहीं होगा। तो टेरेंस उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, बस इसे तुम्हें समझने की जरूरत है कि सबका काम जरूरी होता है। तो टिंकर वहाँ से चली जाती है। टिंकर जब अकेले में बैठी होती है तब उसके पास चीजें आता है और उसे खोई हुई चीजें दिखाता है। ये सब देखने और टेरेंस से बात करने के बाद टिंकर अपना फैसला बदल लेती है और फिर से एक टिंकर फेरी का काम करने लगती है। दूसरी तरफ क्वीन सभी फेरीज को बताती है कि इस बार स्प्रिंग का सीजन समय पर नहीं आएगा क्योंकि हमारी महीनों की मेहनत खराब हो गई है, उसे ठीक करने में काफी समय लग जाएगा और कल जब एवर ब्लॉस में फूल खिलना शुरू होंगे तो हमें डर है कि हम स्प्रिंग के लिए मेनलैंड नहीं जा पाएंगे। तभी वहाँ टिंकर आकर एक फेरी से पूछती है कि तुम्हें लेडी बग पेंट करने में कितना समय लगता है। तो बताती है कि 10 से 15 मिनट। टिंकर अपने द्वारा बनाई गई मशीन से एक लेडी बग को पेंट करती है जो कि सभी को काफी अच्छा लगता है। विद्या सभी से कहती है कि क्या हम इसकी बात सुनेंगे, इसने हमें मुसीबत में फंसाया है। इस बात से टिंकर काफी गुस्सा होती है। विद्या टिंकर से कहती है कि मुझे तुमसे मॉन्स्टर ग्रास पकड़ने की वजह और कुछ पकड़ने को कहना चाहिए था। ये बात क्वीन सुन लेती है और विद्या से कहती है कि स्प्रिंग को पकड़ने के लिए टिंकर अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए तुम सभी मॉन्स्टर ग्रास को पकड़ोगी। विद्या कहती है कि उन सब में काफी टाइम लगेगा। तो क्वीन कहती है कि तुम अपना काम अभी से शुरू कर दो। विद्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्वीन टिंकर से पूछती है कि क्या तुम इस काम को कर सकती हो, तुम्हें खुद पर भरोसा है। तो टिंकर कहती है कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक टिंकर फेरी हूँ जो चीजों को ठीक करती है, मगर मैं अकेले नहीं कर सकती। तो सभी फेरीज उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और जो सामान टिंकर मंगाती है उसे वो सब लाके देते हैं। टिंकर सभी सामान को कलेक्ट करके फूलों और कीड़ों को पेंट करने की मशीन बनाती है जिसकी मदद से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। यह देखकर सभी फेरीज काफी खुश होते हैं। क्वीन टिंकर से काफी खुश होती है और से कहती है कि तुमने कर दिखाया और स्प्रिंग सीजन को बचा लिया। तो सिल्वर मेट क्वीन से कहती है कि क्या टिंकर बेल हमारे साथ मेनलैंड आ सकती है। टिंकर कहती है
है कि मुझे सही में अब वहाँ नहीं जाना, क्योंकि मेरा काम यहाँ है और मुझे अभी बहुत काम करना है। बबल और क्लैंग मिलकर वो डॉल वापस लाते हैं जो कि टिंकर ने फिर से बनाई थी। उसे देखकर फेरी मेरी टिंकर की तारीफ करती है और उसे कहती है कि मेनलैंड में कोई है जो इस खिलौने को काफी मिस कर रहा है, और टिंकर को मेनलैंड पर जाने के लिए कहती है, जिससे कि टिंकर काफी खुश होती है और क्वीन से पूछती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डॉल किसकी है। तो क्वीन कहती है कि तुम्हें पता चल जाएगा। टिंकर फेरी मेरी को गले लगाती है, टेरेंस टिंकर को पिक्सी डस्ट देता है और सभी फेरीज मेनलैंड जाने लगते हैं। टिंकर मेनलैंड को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और वो मेनलैंड पहुंच जाते हैं। सभी फेरीज अलग अलग दिशा में जाती है और स्प्रिंग के सीजन को लाने लगती है। टिंकर डॉल के ऊपर पिक्सी डस्ट डालती है जिसकी वजह से वो उड़ने लगती है और उसे अपने साथ ले जाकर एक घर की विंडो पर रख देती है और नॉक करके वहाँ से चली जाती है। तभी विंडो को एक लड़की खोलती है और वो उस डॉल को देखकर अपने गले में पहनी हुई चाबी से उस डॉल में चाबी भरती है, जिसकी वजह से डॉल नाचने लगती है। ये डॉल उसी लड़की की होती है जो कि उससे खो गई थी। ये देखकर टिंकर काफी खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।